अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन दबा दीजिए और उसके बाद शेयर बटन दबाकर आप फैमिली रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को मेरा वीडियो शेयर कर दीजिए। राइट साइड वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा दीजिए। सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद एक बेल आइकन आ जाएगा। बेल आइकन दबाने से आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे और उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने आधे एक घंटे से उड़द दाल को पानी में भिगो कर रखा था, यह अभी फूल चुका है। अब इसका हम एक पेस्ट बना लेंगे गाढ़ा। यहाँ पर मैंने उड़द दाल का पेस्ट बना दिया है। अब इसमें एक मुट्ठी जितना 2 चम्मच सूजी इसमें डाल दूंगी। ये ऊपर से बड़े को अच्छी तरह से क्रंची करेगा। अगर आप सूजी नहीं डालना चाहते हैं बड़ों में तो फिर आप चावल को, जब आप उड़द दाल को भिगाए तब एक मुट्ठी भर चावल उसमें भिगा दीजिए और उसका फिर पेस्ट बना दीजिए। अब इन दोनों चीज़ों को मैं मिलाकर आधे घंटे के लिए रख दूंगी ताकि ये थोड़ा सा फूल जाए। जब तक उड़द दाल का पेस्ट फूल रहा है तब तक हम दही का घोल बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने दही लिया है और इसको अच्छी तरह से फेंट दिया है। अब इसमें मैं हल्का सा नमक डालूंगी और थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर। और इसी में मैं भुना हुआ जीरा और लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च को हल्का सा भून के उसका पाउडर बनाकर रखा है, इसको भी मैं हल्का सा डाल दूंगी। ये आप अपने तीखे के हिसाब से डाल सकते हैं। अब इन चीज़ों को मिलाकर मैं एक साइड कर लेती हूँ इसको। आधा घंटा हो चुका है, ये फूल चुका है। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी और इसके साथ ही यहाँ पर मैं खाने का सोडा इसमें डालूंगी। अब इन सारी चीज़ों को इसमें मिला देंगे। यहाँ पर मैंने तेल गरम होने के लिए भी रख दिया है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये एकदम गाढ़ा बना है, एकदम पतला नहीं बनेगा। ये बड़े बनाने के लिए हम मीडियम आंच पर तेल को रखेंगे। एक कटोरी में मैंने पानी ले लिया है। अब इसमें मैं अपने हाथ को गीले करूंगी। और इसी से ही मैं गोंद को पकड़ के बीच में से अपनी बीच उंगली को इस तरह से निकालूंगी और फिर इसको तेल में डालूंगी ताकि बीच में एक छेद आ जाए। बीच में छेद करने से बड़े अच्छे से पकते हैं अंदर से। आपको हर बार हाथ को गीला करना है और अपना घोल हाथ में लेकर बीच के उंगली को अंदर एक छेद बनाकर उसको डालना होगा। आंच आप एकदम स्लो मत कीजिएगा, स्लो करने से ये तेल खींच लेगा
और कुछ देर के बाद ठंडा होने के बाद ये तेल तेल लगेगा। मीडियम आंच पर ही रखिएगा, हाई भी नहीं होगा क्योंकि हाई करने से ऊपर क्रंची आ जाएगा मगर अंदर कच्चा रह जाएगा। यहाँ पर मैंने सारे बड़े तल दिए हैं। अब एक बोल लेंगे, इसमें मैंने फिल्टर्ड वाटर लिया है और इसमें आधा चम्मच नमक जाएगा। इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। अब इस पानी में बड़ों को मैं डाल दूंगी ताकि इसके अंदर नमक वाला पानी जा सके और ये थोड़ा फूल जाए। इसको इसी तरह से मैं आधे घंटे तक भिगो कर रख। अभी 15 से 20 मिनट हो चुका है, यह अच्छी तरह से फूल चुका है। अब इसको हाथ में हल्का सा दबा देंगे ताकि इसमें से पानी निकल जाए और फिर इसको दही में डाल देंगे। दम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल गरम कर दिया है। अब इसमें मैं 2 तेज पत्ता और अदरक को मैंने ग्रेट करके रखा है, अब इसको डाल देंगे। अदरक अभी हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर आलू को छोटे छोटे क्यूब्स में काट के रखे थे, अब इसको मैं अभी डाल दूंगी। और इसी के साथ ही टमाटर मैंने चॉप करके रखे थे, इसको भी डाल दूंगी। अब नमक, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी देर ढक्कन दे देंगे ताकि टमाटर थोड़ा सा मशी हो जाए और इसमें से इसका पानी निकल जाए। फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी देकर तब तक इसको पकाएंगे जब तक ये आलू पक ना जाए। टमाटर एकदम से नरम हो चुके हैं, इसका रस भी निकल चुका है। अब मैं इसमें आधा कप पानी डालूंगी और इसको थोड़ी देर ऐसे ही ढक के पकाऊंगी। मिनट हो चुके हैं, आलू एकदम से पक चुका है। इसमें आप थोड़ा सा पानी देकर हल्का हल्का सा बीच में से एक दो आलू को हम दबा देंगे। और इसको 2 मिनट ऐसे ही रख देंगे ताकि इसमें एक अब ये बन चुका है, गैस ऑफ कर देंगे। सर्व करें तो इस तरह से दही भल्ले निकाल दीजिए और उसके साइड में ही आलू की सब्जी। हल्का सा भुजिया और हल्का सा बारीक कटे हुए प्याज इसके ऊपर डाल दीजिए और ये बन गया आपके दही भल्ले।